हेलो मलिका, आज आप क्या बनाने जा रही हैं? हेलो शिल्पी, आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल चकली, जो कि बहुत ही कुरकुरी बनती है और बहुत ही इजी वे में बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। चलिए। आपको सबसे पहले 1 कप पानी डालना है कढ़ाई में। कढ़ाई को गर्म करिए और उसमें 1 कप पानी डालिए। उसके साथ आपको इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं, जैसे कि हमने डाला है नमक स्वादानुसार, मैंने डाल दिया 2 स्पून। ये है हमारा धनिया पाउडर, जो हमारा जाएगा 3 स्पून, क्योंकि इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद ये है जीरा का पाउडर, जो हमने थोड़ा सा भून लिया था, और ये हमने डाला है 2 स्पून। ये जाएगा मिर्ची पाउडर, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको जितना भी तीखा चाहे कर सकती है, मैंने डाला है 2 स्पून। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, जो अगेन 2 स्पून, और हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं। ये हम डालना है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चटनी में। अब हम इसको बॉईल करेंगे। पानी को बॉईल करने के बाद फिर हम सारे आटे इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा पानी जो है वो बॉईल होने लगा है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, जो आपको बाजार में मिल जाता है पिसा हुआ। इसको आप मिक्स करेंगे। इसमें गैस को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी ज्वार का आटा, ये भी आपको पिसा हुआ मिल जाता है, या आप पीस सकते हैं इसको। 1/4 गेहूं का आटा और 1/4 ही आपका होगा बेसन। ये सारे आटे आप इसमें मिक्स कर देंगे, जो हमने मसाला बॉईल करा था, सब डाल के पानी को, और इसको हल्के से चलाएंगे। देखिए ये हमने भी गैस को बंद कर दिया है, और इस आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि वो सारे मसाले जो हैं वो उसमें अच्छे से पहुंच जाएं। और इसको फिर हम एक परात में लेंगे और उसको सान लेंगे। तो पानी में, गर्म पानी से डालने से क्या होता है कि चकली जो है वो आपकी बहुत कुरकुरी बनती है और वो टूटती नहीं है जब हम बना रहे होते हैं। थोड़ा सा पानी अगर बाद में लगेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने आटे को जो है वो अभी एक परात में, एक बड़े परात में डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म है, इसलिए आप इमीडिएटली उसको नहीं करिएगा, 5-7 मिनट दीजिएगा। वो अपने आप जब ठंडा होने लगेगा तब हमको इस आटे को अच्छे से मार लेना है। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में बहुत गर्म होता है। देखिए ये आटा ऐसे हमने सान लिया है इसको, और इसमें हम लास्ट में मिलाएंगे सफेद तिल। ये देखिए आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है तो हल्का सा डालिएगा, और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका टेस्ट जब चकली बनती है तो बहुत कुरकुरा और अच्छा आता है। अब इससे फिर से हमने इस आटे को अच्छे से सान लिया है, और इसको हम रेस्ट कराएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि वो सेट हो जाए। देखिए अभी हमने इसमें तेल डाला है कढ़ाई में और उसको गर्म कर लिया है, और ये हमारा आटा देखिए आप एकदम अच्छे से सन गया है, एकदम अच्छे से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा चिपक भी नहीं रहा है। ये देखिए मुरकू की जो मशीन आती है उसमें आप इसको डालेंगी। ये देखिए पूरा आप इसको भर लीजिए ऐसा गोला बना के, और इसको फिर इस मशीन में डाल करके, ये तो ऑनलाइन मिल जाएगी। हाँ शिल्पी जी, ये ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आपको अमेजोन में भी मिल जाएगी और दुकानों में भी मिल जाती है बर्तनों की। तो ये काफी इसमें डाल चुकी है। अब इसको, इससे जो है वो हम चकली निकालेंगे। हाँ ये देखिए, तो इसको हमने भर लिया है। अब आप इसको धीरे से ऐसे करिए, और ये एकदम मुरकू जो है वो निकलते चले जाएंगे। बहुत इजी निकल रहे हैं, कहीं पे कुछ आपको जो है वो रुकावट नहीं मिल रही है, टूट नहीं रहे हैं। पहले अगर आप शुरुआत में बना रही हो तो आप छोटे छोटे से शुरू करिए, जिससे कि इजी होगा निकालना। और इस तरीके से आप इनको निकाल करके न्यूज़पेपर या बटर पेपर में रखती जाइए। जब 4-5 हो जाएंगे तब आप इनको जो है वो फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। फ्राई करेंगी तो मीडियम लो गैस पे ही करिएगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल जलेबी की तरह लग रहे हैं। दिस विल हैव अ नाइस। से साइड से तेल में डाल दीजिएगा, और तेल को फिर आप मीडियम आंच पे ही रखिएगा। ये ऐसे तेल में डालती जाइए, 2 से 2-3 से ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि वो फिर चिपकने लगेंगे। अच्छा, ये कौन सा इसमें ऑयल हम यूज कर सकते हैं? क्या मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते नहीं, हैं? नहीं, आप इसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करेंगे। आप करेंगे या तो ग्राउंडनट ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, इन दोनों में ही बनेगा वो। और इसको आप ज्यादा एक साथ मत डालिएगा, 1 या 2 डालिएगा, और उसके बाद आप दूसरे बना करके रख लीजिएगा, जिससे कि वो सेट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए ये अपने आप जो है वो बिल्कुल कहीं पे चिपक नहीं रहे हैं। और ये जब ऊपर आने लगेंगे ना, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा,
क्योंकि इसमें हमने हल्दी डाला, अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो इतना ब्राउनिश नहीं होगा ये, तो आपके ऊपर है, अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये अब पक गए हैं? ये देखिए, ये पूरा ऊपर आ जाएगा तेल के, कहीं पे चिपका नहीं है, और ये इस तरीके से हो जाएंगे। इनको आप क्या करेंगी, एक प्लेट में, और जो चलनी होती है ना, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट प्लेट में डालेंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल भी रह जाएगा, तो एक चलनी में, देखिए मैंने ये ऐसी चलनी ली है, इसमें एक न्यूज़पेपर या बटर पेपर डाल करके इनको निकालती जाइएगा। ये देखिए, वाह मल्लिका जी, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपने बना दिया, और इसको हम लोग चाय और कॉफी के साथ इवनिंग स्नैक्स की तरह बहुत अच्छी तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं शिल्पी जी, वंस अगेन, जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू।